नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं 12 PM करंट अफेयर MCQs जो फ्रेम किए गए हैं द हिंदू से, PIB से और इंडियन एक्सप्रेस से। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ज़रिए हम लोग अपने अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है, साउंड वगैरह सब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। सभी लोग आ गए? अर्चना, पूनम, कस्तूरी, भानु, शालू, राज, हेमा, कृष्णा, सुषमा, सरस्वती, प्रवेश, फातिमा, मनीषा, सभी का स्वागत है इस क्लास में। बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। ये सब बातें हैं मेरे बारे में, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। 8 अक्टूबर से हमारा जो करंट अफेयर का बैच है वो शुरू हो रहा है। ये बैच मेनली 2021 और 2022 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को एकदम शुरू शुरू करेंगे। शुरू का मतलब है एकदम बेसिक से, मतलब कि हर चीज़ जो ज़रूरी है 2021 के एग्ज़ाम के लिए उसको हम पूरा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी 2 बजे से प्लस की क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इंडिया म्यांमार के इशू को, जो इंडिया म्यांमार संबंध है उसको, इंडिया फ्रांस का जो संबंध है इसको हम पढ़ेंगे, जो MSME है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो नई क्लासिफिकेशन हुई है और क्या क्या इशू फेस करता है MSME, उसमें से एक इशू है क्रेडिट का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और सरकार ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए हैं वो डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर है, उसके बारे में जो कई सारे पॉलिसीज है डिस्कस करी थी और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। तो 8 अक्टूबर से ये बैच है वो शुरू हो रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो अभी की जो हमारा बैच है पीछे वाला वो भी आप सारा देख पाएंगे और सब आपको इंक्लूडेड रहेगा उस पैकेज में। ठीक है, एसएन लाइव रेफरल कोड है, इस कोड को यूज़ करने से डिस्काउंट मिलता है। प्लस आपको जो मेरी गाइडेंस है वो पूरी गाइडेंस मिलती है आपके पूरे प्रिपरेशन के दौरान। कोई भी दिक्कत हो आप मुझको पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, SMS के जरिए, कॉल के जरिए, ये फ़ायदा रहता है। कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप मुझे जो अनअकैडमी का ऐप है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बस सुमंत कुमार नाम सर्च करेंगे, आपको ये वाला जो प्रोफाइल है वो दिख जाएगा, फिर आप मुझे आप यहाँ पर मैसेजेस कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। फ़ी आपकी 12 महीने की, 2 साल की फ़ी पता है आपको, डिस्काउंट करेंगे तो आपका ये वाला फ़ी और कम हो जाएगा, ये फ़ायदा होता है। चलो, हमारा पहला सवाल है जो बॉम्बे प्लान है उसके बारे में। पहला सवाल ये है कि क्या बॉम्बे प्लान को जो विश्वेश्वरैया है उन्होंने प्रिपेयर किया था, क्या इसको अडॉप्ट किया था जो कराची सेशन है कांग्रेस का वहाँ पे, इन दोनों में से कौन सी बात सही है आपको ये बताना है। बॉम्बे प्लान न्यूज़ में रहा है क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है उसका स्लो डाउन हो रहा है और जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई है। तो बॉम्बे प्लान से हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये सब बातें थी तो हमने इसको कवर किया है। क्या इसको प्रिपेयर किया था विश्वेश्वरैया ने, दूसरा क्या इसको कराची, इसका जो सेशन है कांग्रेस का उसमें अडॉप्ट किया गया था क्या। 1 2 बताना कौन सा आपका सही है ध्यान से। बढ़िया, ठीक है, आपका आंसर है डी डी डी, मतलब कि गलत है ना। बढ़िया, आरआरसी, अर्चना, सुषमा, दिनेश, मनीषा, हेमा, मुस्कान, पलक, आकाश, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। कृष्णा, पूनम, बढ़िया, सबका सही है। ये जो आपका प्लान था, ये जो आपका बॉम्बे प्लान है, ये 15 साल का प्लान था। क्या था? जो 15 साल है ये एक 15 साल का इकोनॉमिक प्लान था जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर शुरू जैसे खत्म होने के बाद 15 ईयर इकोनॉमिक प्लान था। किसके लिए? फॉर पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया।
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो स्थितियां थी भारत में, उन सभी से जूझने के लिए, लड़ने के लिए ये जो प्लान था बनाया गया था। और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके द्वारा इस प्लान को कलेक्टिवली बनाया गया था। इसमें जो आपके JRD टाटा हैं वो थे, जो आपके घनश्याम दास बिरला थे, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे ना, टाटा थे, बिरला थे, ये सब जो यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी थे, तो इन सब ने मिल करके इस प्लान को फॉर्मुलेट किया था। जो फिक्की है, FICCI, फिक्की क्या होता है? फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने इस प्लान को इंडोर्स किया था। चूंकि ये प्लान बिजनेसमैन के द्वारा ही बनाया गया था, तो ऑब्वियस है कि वो लोग इस प्लान को इंडोर्स करेंगे, वो लोग इस प्लान को अपनी सहमति देंगे, है ना। तो यहां पर आपका जो पहला है वो तो गलत हो गया, पहला है वो तो गलत हो गया। सेशन कराची का तो बहुत पहले हुआ था ना, जो सेशन है कराची का, लाहौर का, ये तो बहुत पहले हुआ था, 1929, 1931, है ना। तो ये कब था? ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद का प्लान है। तो आपका दो तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑब्वियस सी बात है, और पहला भी गलत है। तो आपका क्या आंसर है? डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट, क्योंकि दोनों के दोनों बातें यहां पर सही है। बहुत अच्छे, ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं चीजें। अगला जो हमारा सवाल है वो है कारा के बारे में, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये जो कारा है, क्या ये एक वैधानिक बॉडी है मंत्रालय ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत? क्या ये एक नोडल बॉडी की तरह काम करता है अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट किया जाना है इन कंट्री एंड इंटर कंट्री? इन कंट्री का मतलब ये है कि अगर भारत में ही बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा, मान लो कि कोई बच्चा है बिहार का, उसको अडॉप्ट कर रहा है गुजरात का बच्चा, मतलब माता पिता, तो ये होता है आपका इन कंट्री अडॉप्शन। एक होता है इंटर कंट्री, मान लो कि भारत में कोई बच्चा है और इस बच्चे को कोई अमेरिका के कोई दंपत्ति इसको अडॉप्ट करती है, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो क्या दोनों के जो इश्यूज हैं इनको यही बॉडी देखता है? ठीक है, क्या ये जो अडॉप्शन है उससे संबंधित जो रेगुलेशन है उसको फ्रेम करता है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत? ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। क्या आंसर है? ये जो कारा है ये न्यूज में था, क्योंकि यूएसए प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को कि आप जो कन्वेंशन है हेग का उसको आप एडॉप्ट कीजिए, उसको आप साइन कीजिए। जो हेग कन्वेंशन है वो डील करता है इंटर कंट्री एडॉप्शन से। बढ़िया, ए ए ए यहां पर तीनों बातें जो कारा है उसके बारे में सही है, तो ध्यान से इसको लिखिएगा। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, क्या नाम है इस शॉर्ट फॉर्म इसका? कारा। ये एक वैधानिक बॉडी है, वैधानिक मतलब कि स्टेचुअरी बॉडी है। अगर स्टेचुअरी है तो कोई ना कोई कानून होगा जिसके अंतर्गत बनाया गया होगा, वो कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में इसको इनेक्ट किया गया था। जो दिल्ली का जो गैंगरेप केस था उसमें जो नाबालिग थे उन्होंने क्राइम किया था,
तो जो नाबालिगों के द्वारा, जुवेनाइल के द्वारा जो क्राइम किया जाता है उसको, उससे डील करने के लिए ये जो कानून था वो बनाया गया था। ठीक है, ये कौन से मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के अधीन ये आता है। बढ़िया, और क्या करता है ये जो इन कंट्री अडॉप्शन है, इन कंट्री एडॉप्शन को फैसिलिटेट एंड प्रमोट करता है। क्लियर है? जो इंटर कंट्री, इन कंट्री मतलब देश के भीतर, इंटर कंट्री मतलब दो देशों के बीच, इंटर कंट्री एडॉप्शन को रेगुलेट करता है। क्यों सर? मान लो कि कोई बाहरी व्यक्ति है, अगर वो तस्कर निकला तो बच्चे को यहाँ से ले गया, उसके ऑर्गन्स बेच दिए, तो समस्या हो जाएगी ना। तो इन सब के बारे में जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फ्रेम करता है। क्लियर है? रूल्स रेगुलेशन को फ्रेम करता है। बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर ये जो बातें हैं वो हो गई कारा के बारे में। चलिए, यहां पर आपका जो पहला है वो सही है, दूसरा है ये भी सही है, और जो तीसरा है वो भी सही है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका सही जवाब है। ओल्ड एज पर्सन नहीं, उसका नहीं है। हाँ, बढ़िया, चलो अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अगला सवाल हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसके बारे में। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है उसके बारे में, क्या इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है एज अ कंपोनेंट अंडर आईसीडीएस स्कीम? आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये जो स्कीम है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए है। क्या इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव जो जेंडर बायस है, सेक्स सिलेक्टिव इलिमिनेशन है, इन सब को रोकना है? ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं, ताकि जो बच्चियां जो हैं उनको शिक्षा मिल सके। क्या इस स्कीम को तीन मंत्रालय मिलकर के चला रही है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय, क्या ये तीन मंत्रालय मिलकर चला रही है? ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। आकाश गुप्ता सर, हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन डील करता है जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है ना उसके बारे में। होता क्या है कि मान लो कि दूसरे कंट्री के जो बच्चे हैं उनको एडॉप्ट किया, या फिर होता क्या है कि मान लो कि कोई दंपत्ति है, भारतीय दंपत्ति है, यूएस गया, वहां से एक दंपत्ति को उन्होंने छोड़ दिया, जैसे मान लो कि हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, तो वाइफ यहाँ पे चली आई ऐसा करके, तो उसमें कुछ इश्यू हो जाते हैं बच्चे संबंधित, उसीलिए वो जो कन्वेंशन है वो साइन कराया जाता है। तो यूएस ने कहा कि तुम्हारा ही इशू है, तुम साइन करो इसको, भारत साइन करने से कतरा रहा था। ठीक है, तो यहां पर केवल दूसरा है जो सही है, केवल दूसरा है। आईसीडीएस अलग स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, पहले पढ़ लो फिर सवाल करना, इशू हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसको 2015 में लॉन्च किया था पीएम ने। बाय पीएम 2015 हरियाणा में। हरियाणा में क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, टू एड्रेस डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। होता क्या है, जो यहाँ पर वो था ना, एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे हम बच्चे का जो लिंग जांच है वो कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी सहायता से जो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन है वो होता है। तो उन सबको ठीक करने के लिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च किया गया था, चाइल्ड सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए यह स्कीम लॉन्च किया गया था। और आपका जो ICDS है ये मेनली न्यूट्रिशन के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जो देखभाल है उन सब के लिए है। तो यहाँ पर ये नहीं है। पहला तो आपका गलत हो गया। पहला क्या है, पहला गलत है, ये ICDS का प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको ICDS स्कीम के बारे में पता होता तो आप पहला आराम से एलिमिनेट कर देते, फिर आपका यहाँ पर बी जो है वो कट जाता, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर तीन मंत्रालय तो है, यहाँ पर तीन मंत्रालय है, तीन मंत्रालय है। कौन कौन से हैं? पहला तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट तो होगा ही, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप इसको भी आराम से इलिमिनेट कर सकते थे। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सर तीनों के तीनों याद कैसे रहेगा? तीनों आपको याद करना ही नहीं था, आपको बस ये समझना था कि चलो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो सकता है, मगर जो आपका गृह मंत्रालय है ये डील करता है इंटरनल सिक्योरिटी से, वो बेटी और जो माताएं हैं उसे थोड़ा डील करेगा। आपका जो गृह मंत्रालय है इसको आप आराम से इलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा, जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है और जो आपके इंटरनल मुद्दे हैं उससे डील करता है, ना कि बेटी से, पढ़ाई से, माता से, इन सब डील नहीं करता। तो आप तीन आराम से इलिमिनेट कर दिए होते। आपने अगर तीन इलिमिनेट कर दिया होता तो आपका सी चला जाता, है ना, तीन यहाँ पे है, एक यहाँ पर था, बच गया डी और ए। दूसरा देखते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है जो जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन है उसको दूर करना? बहुत बढ़िया है, तो है ही। इंश्योर सर्वाइवल प्रोटेक्शन एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। देखो ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है। क्या है? ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, अगर यूपीएससी में स्टेटमेंट ब्रॉड दिया गया है तो वो ज्यादातर सही होगा, समझ गए? वो जो लाइन होगी वो ज्यादातर सही होगी। क्या समझे? तो आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब बातें ध्यान देनी है कि कौन सा स्टेटमेंट ब्रॉड है, कौन सा प्रिसाइज है, कौन सा फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लाइन नंबर तीन है, आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये फैक्चुअल है। ये क्या है? ये वाला फैक्चुअल है, या तो सही होगा चाहे गलत होगा। पहला वाला भी फैक्चुअल है, या तो सही होगा चाहे गलत होगा। दूसरे वाले को फैक्चुअल नहीं कह सकते, ये गलत सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बहुत ही ब्रॉड बातें कह दी गई हैं, ठीक है। बच्चे का जो प्रोटेक्शन है, एजुकेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो इंश्योर करना है, ये तो किसी भी स्कीम में कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका मान लो ICDS स्कीम है,
इसमें क्या करते हैं एसिडेस में, जो छोटी बच्चियां होती हैं उसको देते हैं न्यूट्रिशन वगैरह। तो यहीं पर ये लिख दो कि उसको हम जो प्रोटेक्शन है वो देते हैं किससे, बीमारी से। हो गई बात। तो यहां पर आप कैसे सवाल सॉल्व करते हैं वो देखना है आपको, आप में ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता था कि यहां पर गृह मंत्रालय है, कि कौन सा मंत्रालय है, अंड है शंड है, कुछ नहीं पता था हमको। मगर मैंने इसको इलिमिनेट कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है कि गृह मंत्रालय महिलाओं से, बच्चियों, इस सबसे डील नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कंप्यूटर तो हैं नहीं, आप सीधे साधे बच्चे हैं, एग्जाम जैसे कि आप एस्पिरेंट हैं, इंटरनेट तो नहीं है आप, आपके पास ज्ञान सीमित है। इसी सीमित नॉलेज को इस्तेमाल करके आपको आपका जवाब निकालना है, वही सिखाते हैं यहाँ पे। आपका क्या आंसर आ गया, ए टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। आपका दूसरा क्या है, सही है, मतलब ए आपका सही जवाब है, लिख लिया इसको। चलो अगला जो सवाल है वो करते हैं। मारपोल कन्वेंशन के बारे में पूछा गया है, जो आपका मारपोल कन्वेंशन है वो किस बारे में है। अब ये सवाल फैक्चुअल है, सवाल पूरा फैक्चुअल है, आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। यहां पर आप कुछ तुक्का नहीं मार सकते, यहां पर आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते। सेफ शिप रिसाइकलिंग, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप, मैनेजमेंट ऑफ शिप बलास्ट वाटर। बलास्ट वाटर क्या होता है आप ये समझो। देखो ये समुद्र है, आपने नाव चलाया होगा कभी पानी में, तो आप करते क्या हैं, नाव में छोटा सा पत्थर रख देते हैं। आपने एक कागज की नाव बनाई, आपका नाव कब चलता है, जब इसमें आप छोटा सा पत्थर रखते हैं तो ये नाव स्टेबल रहता है, ये पलटता नहीं है। वैसे ही जो पानी का जहाज होता है, उसका जो नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बलास्ट वाटर। मतलब कि ये जो भरा हुआ पानी है वो जहाज को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है, जहाज को वो संतुलित करता है, स्टेबलाइज करता है। क्या आंसर है इसका। अरे वाह, आप सभी को आता था ये तो, बहुत बढ़िया। ये जो है, ये जो जहाज से पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को रोकने के लिए ये जो मारपोल कन्वेंशन है उसको साइन किया गया है। जरा लिखना इस कन्वेंशन के बारे में, जो आपका कन्वेंशन है मारपोल, इसके बारे में लिखिएगा। 1973 में एडॉप्ट किया गया था, 1973 में एडॉप्ट किया गया था IMO पे, ठीक है। ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो जहाज से पोल्यूशन को प्रिवेंट करेगा, उसको एलिमिनेट भी करेगा, चाहे वो पोल्यूशन एक्सीडेंटल हो, चाहे वो रूटीन ऑपरेशन से हो, चाहे एक्सीडेंटल या रूटीन। एक्सीडेंटल कैसे होता है सर, जो जहाज है उसमें टक्कर हो गई, या जहाज से तेल रिसने लग गया, तो वो होता है एक्सीडेंटल। रूटीन क्या होता है, जहाज जब चलेगा तो ईंधन का इस्तेमाल करेगा, वो ग्रीन हाउस गैस इमिट करेगा, CO2 वगैरह निकालेगा ऊपर से। तो इन दोनों को रोकने के लिए ये जो कन्वेंशन है वो काम करता है, ठीक है, बढ़िया। हाँ, और इंडिया ने इसको साइन किया है, साइंड बाय इंडिया। क्या आंसर हो गया आपका, बी। बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग करते हैं। जो आपका चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जो आपका चौथा औद्योगिक क्रांति है, ये किससे बना हुआ होता है, इसमें करते क्या हैं। डिजिटल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट, साइबर फिजिकल सिस्टम, पावर जनरेशन फ्रॉम ऑयल एंड गैस। आपको पता है कि इनपुट के आधार पर हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अलग अलग जनरेशन में बांटते हैं, 1G, 2G,
3G और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये चौथा रेवोल्यूशन अभी हमारा चलेगा आगे। हाँ, जापान का ऑयल का शिप लीक हो गया था। हाँ सही कह रहा हूँ, ठीक है काशीनाथ, बहुत अच्छे पॉइंट लिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, ठीक है। और AI बेस्ड होगा, सही जवाब है रिपू का, रिपू बस और कुछ नहीं। डिजिटल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये तो हो ही रहा है अभी, ये तो अभी हो ही रहा है, ये तो पिछले 5-10 साल से हो रहा है। जो नया वाला आपका औद्योगिक क्रांति आएगा ना, वो करेंगे क्या, हमारे समाज में, हमारे शरीर तक में जो साइबर फिजिकल सिस्टम है उसको इस्तेमाल करेंगे। साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, साइबर फिजिकल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो आईटी का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके क्रूड हार्डवेयर, मान लो कि ऐसा चीज जिसमें हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो टेबल लैम्प है उसको इंटरनेट से जोड़ दिया, ठीक है, या फिर आपका जो जीन है उसको एडिट किया, जो इससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी सहायता से आपको, मतलब ऐसी शक्तियां प्रदान कर दी आपको कि आप कुछ और बन गए, शक्तिमान बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइबर फिजिकल सिस्टम है वो मेन फीचर है चौथा औद्योगिक क्रांति का, ध्यान रखिएगा ये वाला। जो आपका साइबर फिजिकल सिस्टम होता है इसमें जो मशीन इंटेलिजेंस है, मशीन इंटेलिजेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है। इंसान को हटा करके जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, वो काम करता है। अच्छा काम करो, जो आपका तीनों के तीनों जो क्रांति है पहले उसको समझो। आपका पहला जो औद्योगिक क्रांति है उसमें क्या हुआ था, जो भाप है उसका इस्तेमाल हुआ था। जो सेकेंड जनरेशन का जो आपका औद्योगिक क्रांति है उसमें बिजली और टेली कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके मास प्रोडक्शन किया गया, ठीक है। मास प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो असेंबली लाइन होती है ना मशीन के द्वारा, दनादन 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 जो चीज़ें हैं बनाई गई। तीसरा जनरेशन में कंप्यूटेशन, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं। और चौथा औद्योगिक क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने बताया ना अभी कि आपके टेबल लैंप में इंटरनेट जोड़ देंगे, ठीक है, साइबर फिजिकल सिस्टम, ये सब चीज़ें आती हैं। क्लियर है, कैप्टन अमेरिका बना देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक तो सवाल पूछेगा आपसे इतना आसान कि जो चौथा औद्योगिक क्रांति है उसकी क्या मेन फीचर है। एक सवाल पूछ सकता है ऐसा कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसके फीचर कौन-कौन से हैं, 1, 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम, फिर आपका ITC या फिर कुछ और दे देगा और आपको पूछेगा कौन सा सही है, ABCD। तो क्या बोलेंगे आंसर आप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर फिजिकल सिस्टम, ये तो पुराना है टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन वगैरह वाली, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना सकते हैं इस पर, और आराम से इसका आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अब आप यहां पर इसका जवाब आराम से दे पाएंगे। चलो अगला सवाल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, इजिप्ट, जिबौती, इरिट्रिया, बताना कौन सा सही है।
एकदम आसान सा सवाल है, आपको मैंने जो ट्रिक है वो बताया है पहले, है ना? सर, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट सीरियस क्यों नहीं, सीरियस क्यों नहीं है जैसे चाइना, रशिया और यूएसए गवर्नमेंट सीरियस है? सीरियस हमारी गवर्नमेंट है, मगर हमारे पास रिसोर्स नहीं है उतने सारे। हाँ, गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके पास भी कमी है एक्सपर्टाइज की। अरे, गवर्नमेंट में जिसको पता होगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में वही ना ध्यान देगा इस पर। जो भी लोग बनते हैं सिविल सर्वेंट वो सब जर्नलिस्ट होते हैं, मोटी दिमाग के होते हैं, किसी में उनका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। आप किसी कंप्यूटर साइंस वाले को बनाएंगे तो तभी ना वो जानेगा, समझ गए बात? ठीक है, बढ़िया। काशीनाथ ने कहा जिबौती, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। एकदम आसान सा, सीड। इसका ट्रिक है सीड। सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, इरिट्रिया और कौन सा कंट्री है, दोगो, इथियोपिया और जिबौती। इथियोपिया और जिबौती, तो जिबौती तो हो गया, इरिट्रिया भी हो गया, तो 2 एंड 3 बी इज द करेक्ट आंसर। इजिप्ट नहीं है, इजिप्ट जो है वो नहीं है, सीड जो है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पे ये आपका इथियोपिया दिख रहा है, राजधानी आदिस अबाबा। आपने जब अलादीन वाला कोई मूवी देखी होगी या फिर कोई सीरीज देखी होगी तो उसमें आदिस अबाबा का नाम आता है। जिबौती यहाँ पर छोटा सा कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करता है गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है? फिर उसके ऊपर है इरिट्रिया, यहाँ पर इरिट्रिया जो है वो कंट्री है। हुआ क्या था, इरिट्रिया और इथियोपिया में जो सुलह है वो कराने के लिए इनके राष्ट्रपति को नोबेल का शांति का पुरस्कार दिया गया था। सोमालिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मोगादिशु इसकी राजधानी है, और ये जो मैरीटाइम पायरेसी है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है? बढ़िया। चलो बाबू कुरनाल, आज लेट से क्या बात है? काशीनाथ गूगल का इस्तेमाल कर रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये एक टर्म जैसे कि यूज किया जाता है, ईस्टर्न अफ्रीकन जो पेनिनसुला है ना, देखो ये पेनिनसुला है कैसे, क्योंकि ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, इस तरफ रेड सी है, इस तरफ गल्फ ऑफ एडन है, और यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन। ध्यान सुनिएगा, आपको अरेंज करने के लिए दे देगा, गल्फ ऑफ एडन है जो आपका ईस्ट में है, रेड सी जो है वो आपका वेस्ट में है। देखो यहाँ पर अगर आपको अरेंज करने के लिए दे दे कि पश्चिम से पूरब की ओर आप जो यहाँ पर वाटर बॉडी है उसको अरेंज कीजिए, तो इसको आप कर पाएंगे। तो 2 एंड 3 बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? बढ़िया। चलो अगला जो आपका सवाल है, यहाँ पर मैंने कुछ मैप दिए हैं वो आपको ध्यान से देख लेना है, और यहाँ पर देखो जो जिबौती है और यमिन है इसके बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नाम है बाब अल मंदब। क्या बोलते हैं इसको, ये जो स्ट्रेट है ना, ये वाला स्ट्रेट, ये वाला, रुक जाओ कलर चेंज करना है, ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर जो छोटे वाटर बॉडी है ना उसको बोलते हैं हम लोग बाब अल मंदाब, बाब अल, ठीक है? स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब ये होता है जो वाटर बॉडी, जो छोटी वाटर बॉडी दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ती है, क्या करती है, ठीक है? छोटे वाटर बॉडी दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ती है उसको हम कहते हैं बाबल मंदाब, ये स्ट्रेट, ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स उसके बारे में, जो पीआई पीएमआई होता है उसके बारे में।
क्या ये केवल मैन्युफैक्चरिंग को ही कवर करता है? अगर इस इंडेक्स में 50 के ऊपर रीडिंग आई तो इसका क्या मतलब है? क्या इकोनॉमी में कंट्रैक्शन होता है? क्या बिजनेस एक्टिविटी में सिकुड़ाव होता है? मतलब क्या एक्टिविटी कमती है? ठीक है, बढ़िया। दूसरा, क्या इसको एनएसओ रिलीज करता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को क्या एनएसओ रिलीज करता है? ध्यान से जवाब देना है आपको पीएमआई के बारे में। क्लियर है? हाँ जी, जापान का है। एक जापानीज फर्म है निकेई, उसके द्वारा ये कंपाइल किया जाता है। सी 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 भानु का सही है। नहीं, सी गलत है। सबसे पहली बात, इसके थोड़ा से कुछ नोट्स लिख लो। जो आपका पीएमआई है उसके बारे में, इसका चलो कॉपी में लिखना शुरू करो, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीएमआई। ये करता क्या है? ये एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का, इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कैसे इंडिकेट करता है सर? इंडेक्स के हिसाब से इंडिकेट करता है। क्लियर है? अगर 50 के ऊपर आया, 50+ अगर रहेगा, तो क्या कहेंगे? कि आपका जो एक्टिविटी है वो एक्सपैंड कर रहा है। और अगर 50 के नीचे है तो क्या कहेंगे? बिजनेस एक्टिविटी घट रहा है, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए कवर्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बोथ। बढ़िया, ठीक है। तो और कौन निकालता है? पब्लिश्ड बाय निकेई, जो कि एक जापानीज फर्म है, एक जापानी कंपनी है। इसका इंडेक्स भी आता है। इंडेक्स का मतलब, जैसे कि सेंसेक्स है ना, बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है और एनएसई का निफ्टी है, वैसे ही निकेई का भी अपना एक इंडेक्स आता है। ये लिख लिया। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में आपने जो चीज़ें हैं वो नोट कर ली। ठीक है, चलो। तो यहां पर पहला कह रहा है कि इट ओनली कवर मैन्युफैक्चरिंग, ये तो गलत है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस भी तो कवर करता है, तो यहां पर ओनली जो लिखा हुआ था वो गलत करवा दिया, तो पहला गलत हो गया। अगर 50 के ऊपर आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन थोड़े होगा, एक्सपेंशन होगा ना, एक्सपेंशन होगा। आपका दूसरा गलत है। और एनएसओ थोड़े निकालता है, निकेई निकालता है, जापानीज कंपनी।
तो आपका तीसरा गलत हो गया। क्या आंसर है? डी, नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। तीनों के तीनों बातें जो है वो यहां पर गलत हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो अब करते क्या है, खाना खा लो, फिर 1 बजे से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, 1 बजे से अभी आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।